साथियों, हर्बलिज्म विद हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत। यहाँ पर हम आपके साथ विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ साझा करते हैं। आज की कड़ी में हम समझेंगे काया चिकित्सा या नाड़ी मर्दन चिकित्सा में वात पित्त और कफ का क्या मतलब है। काया चिकित्सा में भी वात पित्त कफ को डायग्नोस किया जाता है, इसका समाधान किया जाता है। वात की समस्या से आशय आपको गैस्ट्रिक की समस्या, यानी कि आपको जो भी समस्या हो रही है वो गैस की वजह से हो रही है। पित्त यानी कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है, तो आपको एसिडोसिस की समस्या है। जब भी पित्त बढ़ेगा आपके बॉडी में एसिडोसिस की समस्या आएगी। कफ यानी कि कफ बढ़ने पर नाड़ी मर्दन चिकित्सा के अनुसार अल्कलोसिस की समस्या है, यानी कि आपकी बॉडी अल्कलाइन की कंडीशन में चली गई है। इन तीनों को काया चिकित्सा के द्वारा बैलेंस किया जा सकता है और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। काया चिकित्सा यानी कि नाड़ी मर्दन चिकित्सा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक प्राचीन उपचार पद्धति है। काया चिकित्सा या नाड़ी मर्दन चिकित्सा में किसी भी प्रकार दवाई या साधन का इस्तेमाल नहीं होता। ये उपचार देते समय थेरेपिस्ट दोनों तरफ कुर्सियों का सहारा लेकर अपने पैरों से मरीज के हाथ, पैर, जांग इत्यादि पर दबाव देते हैं। मरीज को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। यह उपचार एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के उम्र कोई व्यक्ति को दिया जा सकता है। छोटे बच्चों को एवं बुजुर्ग व कमजोर व्यक्ति हाथ से एवं बड़ी उम्र के व्यक्तियों को पैरों से उपचार देते हैं। दूसरे विधाओं में दवाइयाँ देते हैं जो शरीर के अंदर के केमिकल के आधार पर बनाई जाती हैं, पर वह शरीर के बाहर की चीज है। शरीर जितना चाहिए उतना आत्मसात नहीं कर पाता। कभी कभी तो बीमारी एक तरफ रह जाती है और उन दवाइयों के गलत परिणाम से अन्य भयानक बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसे मधुमेह का रोगी जब बरसों तक दवाइयां खाता रहता है, तब आगे चलकर उन दवाइयों के बुरे असर यानी साइड इफेक्ट की वजह से उन मरीजों के कानों एवं आंख पर बुरा असर होता है। हृदय रोग या किडनी फेलियर जैसी बीमारियां आ जाती है। चिकित्सा या नाड़ी मर्दन चिकित्सा इन सब के साइड इफेक्ट से बचाती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन नहीं होता है। ऐसा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।